नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 30 मार्च दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है रामनवमी का पवित्र त्योहार। सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब करेंगे रोबोटिक्स की पढ़ाई। अब सहारा निवेशकों को मिलेगा पैसे। SC ने कहा रिलीज करे 5000 करोड़। क्या 1 अप्रैल से महंगा होगा UPI भुगतान। NPCI ने साफ की स्थिति। ICC की ताजा रैंकिंग में हुआ बड़ा फेरबदल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बैंगलोर मेट्रो में 236 पदों की निकली भर्ती। बैंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन इंजीनियर और मेंटेनर के कुल 236 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI, डिप्लोमा और BE/BTEC पदों के अनुसार अलग अलग किया होना चाहिए। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 अप्रैल 2023 तक निर्धारित की गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए बैंगलोर मेट्रो के आधिकारिक वेबसाइट bmrc.co.in में मौजूद करियर सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। आज है रामनवमी का पवित्र त्योहार। आज यानी कि 30 मार्च को रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा है। बता दें कि ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में आज के दिन ही भगवान राम ने इस दुनिया में जन्म लिया था। मालूम हो कि भगवान राम के जन्म की इस तारीख का जिक्र रामायण और रामचरितमानस जैसे धर्म ग्रंथों में भी किया गया है। बता दें कि आज के दिन भक्त भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर पर्व को मनाते हैं। इसके साथ ही इस दिन नवरात्रि की भी समाप्ति हो जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने त्रेता युग में रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इस दिन को भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसके साथ ही आज नवरात्रि का अंतिम दिन यानी कि नौ दिन है। बता दें कि आज के दिन माता के सिद्धिदात्री रूप का पूजन किया जाता है। वहीं वैसे लोग जो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं वे पाठ के समाप्ति के बाद हवन और पाठ का विसर्जन करेंगे। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे राजकमल झा के बारे में। राजकमल झा एक भारतीय अखबार के संपादक और अंग्रेजी में उपन्यासकार है। वह वर्तमान में द इंडियन एक्सप्रेस के प्रधान संपादक के रूप में कार्यरत है। उन्होंने 5 उपन्यास लिखे हैं जिनका 12 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनकी पत्रकारिता और कथा साहित्य ने राष्ट्रमंडल लेखक पुरस्कार सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार, टाटा लिटरेचर लाइफ वर्ष की पुस्तक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय प्रेस संस्थान भारत पुरस्कार और मुंबई प्रेस क्लब जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सितंबर 2021 में झा को इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन एनुअल लीडरशिप अवार्ड्स के इंडिया चैप्टर द्वारा द ईयर के संपादक से सम्मानित किया गया था। बिहार विधान परिषद की 5 सीटों पर इस दिन होगी वोटिंग। बीते दिन शाम 4 बजे से बिहार विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। वहीं अब इन 5 सीटों के लिए वोटिंग की प्रक्रिया 31 मार्च 2023 को की जाएगी। बता दें कि 31 मार्च को होने वाली वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके अलावा मतों की गणना 5 अप्रैल को की जाएगी। वहीं आम सभी चुनावों की तरह ही इस चुनाव में भी मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार बंद हो गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन 5 सीटों पर चुनाव होना है उनमें सारण स्नातक क्षेत्र, गया स्नातक क्षेत्र, गया शिक्षक क्षेत्र, कोसी शिक्षक क्षेत्र और सारण शिक्षक क्षेत्र के नाम शामिल हैं। बिहार में सरकार से मिलेगी किसानों को दुधारू गाय। बिहार में पहली बार सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की ओर से किसानों को हरियाणा, राजस्थान, पंजाब व गुजरात से साहिवाल, गिर तथा थारपारकर नस्ल की देसी दुधारू गाय उपलब्ध करवाई जाएगी। बता दें किसान अपनी मर्जी से भी दूसरे राज्यों से गाय खरीद सकते हैं। मालूम हो कि सरकार के द्वारा गोय विकास की ओर से प्रस्तावित इस प्लान को मंजूरी दे दी गई है और साथ ही इसके लिए सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है। बता दें कि सरकार की ओर से SC ST व अति पिछड़ा वर्ग को 75% तथा अन्य दूसरे वर्ग को 50% सब्सिडी पर देसी गाय उपलब्ध करवाई जाएगी। 2 यूनिट में 1 किसान को 2 तथा 4 यूनिट में 1 किसान को 4 गाय उपलब्ध करवाई जाएगी।
बीपीएससी 67वीं पीटी पास छात्राओं को मिली प्रोत्साहन राशि। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास निगम की ओर से उन सभी छात्राओं के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं जो बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 67वीं पीटी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई है। बता दें कि इस राशि के कुल 1,259 छात्राओं के द्वारा आवेदन किया गया था, लेकिन अंतिम रूप से 937 छात्राओं का चयन किया गया जिनके खातों में कुल 4.68 करोड़ रुपए की राशि भेज दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह पहली बार है जब इस योजना के तहत निगम के द्वारा राशि दी गई है। मालूम हो कि राशि सरकार की ओर से पीटी उत्तीर्ण छात्राओं को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए दी जाती है, जिसके तहत छात्राओं को सरकार की ओर से 50,000 रुपए दिए जाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशि उन्हीं छात्राओं को दी जाती है जिन्हें सरकार की ओर से कोई अन्य प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई हो। बिहार के इस स्थान पर 120 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। बिहार सरकार की ओर से बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बनने वाले फिल्म सिटी नई तकनीक से लैस और सभी सुविधाओं के साथ राजगीर में 120 एकड़ में बनाई जाएगी। बता दें कि इस फिल्म सिटी के निर्माण में लगने वाली लागत 150 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही सरकार की ओर से राज्य के कई खूबसूरत लोकेशन को चुना गया है जहां आने वाले समय में बड़े बड़े कलाकार शूटिंग करेंगे। बता दें कि जिन स्थानों का चयन किया गया है वे राजगीर, नालंदा, कैमूर, बांका और वाल्मीकि नगर जैसे खूबसूरत स्थान शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा बिहार में फिल्म को उद्योग का दर्जा भी दिया जा सकता है। फिलहाल इस पर विचार किए जा रहे हैं। अगर राज्य में फिल्म को उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है तो सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी। इसके लिए नीति तैयार की जा रही है। अब सहारा निवेशकों को मिलेगा पैसे, एससी ने कहा रिलीज करें 5,000 करोड़। सहारा निवेशकों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से निवेशकों के फंसे हुए पैसे बहुत ही जल्द वापस आने की उम्मीद जगी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सेबी के पास फंसे 24,000 करोड़ रुपए की याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसमें यह कहा गया है कि सहारा का जो पैसा सेबी के पास फंसा हुआ है उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाए ताकि सहारा के निवेशकों को पैसे का भुगतान किया जा सके। बता दें केंद्र सरकार ने कोर्ट में याचिका दाखिल किया था जिसमें 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी की बात कही गई थी। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि 1.1 करोड़ निवेशकों को इसका लाभ मिलने वाला है। बिहार के 10 शहरों के विकास के लिए बनाई गई प्लानिंग एरिया अथॉरिटी। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य के 10 ऐसे शहरों के लिए प्लानिंग एरिया अथॉरिटी बनाई गई है जिनका विस्तार किया जा सके। बता दें कि इसके लिए विभाग की ओर से राज्य के जिन 10 शहरों का चयन किया गया है उनमें नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल के नाम शामिल हैं। बता दें कि प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के बन जाने से अब इन शहरों का विकास तेजी से किया जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले भी राज्य से 33 प्लानिंग एरिया अथॉरिटी अधिसूचित किया गया है, वहीं अब इनकी संख्या बढ़कर 43 हो गई है। बिहार मौसम विभाग का बारिश का अलर्ट। बिहार में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। इसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन और खुद को बाहर निकलने से बचे। मौसम खराब होने के दौरान खेतों में काम कर रहे हैं तो शीघ्र पक्के घर में आ जाए। किसी भी परिस्थिति में पेड़ के नीचे खड़ा होने से बचे और मौसम साफ होने का इंतजार करें। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया है कि रामनवमी के दिन से राज्य के 9 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें रोहतास, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना, गया, नवादा, नालंदा समेत अन्य जिले शामिल हैं। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे राम रेखा घाट के बारे में। राम रेखा घाट बक्सर जिले में स्थित बेहद ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है जो रामायण काल से जुड़ा है। गंगा नदी के किनारे इस घाट के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है कि जब तारका वध के बाद प्रभु श्री राम पर स्त्री वध का पाप लगा और उस पाप मुक्ति के लिए वो वहीं नजदीक गंगा तट पर गए और स्नान किया। उसी घाट के समीप प्रभु श्री राम ने मिट्टी से शिवलिंग बनाया, पूजा अर्चना की, फिर शिवलिंग को जल स्नान करने लगे तो मिट्टी कच्ची होने के कारण बहने लगी तो श्री राम ने शिवलिंग के पर हाथ रख दिया और फिर जल स्नान कराया, परंतु हाथ हटाने पर प्रभु श्रीराम के हाथों की रेखा शिवलिंग पर अंकित हो गई और साथ ही उनके पैरों के निशान वहां की मिट्टी पर छप गए। रामरेखा घाट पे शिवलिंग आज भी अस्तित्व में है। यह घाट अपने आप में भक्ति और श्रद्धा के भाव को दर्शाता है। श्रद्धालु हमेशा से इस पावन भूमि पर आते हैं और पूजा करते हैं।
सांचा दुबे की मां से मिली अक्षरा सिंह। बीते दिन बुधवार को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री अक्षरा सिंह भदोही जिला स्थित बरदाहा गांव पहुंची। दरअसल वह वहां आकांक्षा दुबे की मां से मिलने के लिए पहुंची थी। बता दें कि इस दौरान अक्षरा सिंह ने आकांक्षा दुबे की मां को गले लगाया और अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जब मुझे इस घटना की जानकारी मिली तो इस घटना ने मुझे अंदर से हिला दिया। उन्होंने कहा कि मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है। मैं जिस आकांक्षा को जानती थी वह निडर और अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली थी, लेकिन आज उसके परिवार वाले के आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षा के मामले में निष्पक्ष जांच और कानून सम्मत कार्रवाई हो ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। क्या 1 अप्रैल से महंगा होगा UPI भुगतान? NPCI ने साफ की स्थिति। पिछले कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि 1 अप्रैल से 2000 से ऊपर UPI भुगतान करना महंगा हो जाएगा, तो बता दें कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि NPCI के द्वारा सारी स्थिति को साफ करते हुए बता दिया गया है कि UPI यूजर्स को कोई अलग से चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन वैसे लोग जो प्रीपेड वॉलेट से UPI पेमेंट करते हैं उन्हें चार्ज देना होगा। NPCI ने कहा कि इस नियम से ग्राहक पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसे ट्रांजैक्शन की संख्या 1% से भी कम है। बता दें कि इस बात की जानकारी NPCI के द्वारा एक प्रेस रिलीज करके दी गई है। तमिलनाडु जाने से पहले पटना एयरपोर्ट पर मनीष कश्यप का दिखा आक्रामक रूप। तमिलनाडु में बिहारियों के साथ हिंसा का कथित रूप से वीडियो वायरल करने के मामले व अन्य मामलों को लेकर बीते दिन मनीष कश्यप को तमिलनाडु पुलिस के द्वारा कोर्ट के आदेश के बाद तमिलनाडु ले जाया गया, लेकिन इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए मनीष कश्यप का आक्रामक रूप देखने को मिला। उन्होंने कहा कि उन्हें नेताओं पर भरोसा नहीं है, यहां के नेताओं ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में पहली बार ऐसा किसी पत्रकार के साथ हो रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल बिहार जरूर बदलेगा। मेरा सारा वीडियो में मैंने बस मजदूरों के यही बोला है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन पर राजनीतिक आरोप लगाए गए हैं जो सभी झूठे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बिहार और तमिलनाडु पुलिस को लेकर कहा कि पुलिस के द्वारा उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की गई है। सरकारी स्कूल के बच्चे भी अब करेंगे रोबोटिक्स की पढ़ाई। बहुत जल्द ही बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी रोबोटिक्स की पढ़ाई कर सकेंगे। दरअसल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से राज्य के 2456 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रोबोटिक्स की पढ़ाई शुरू करवाई जा सके, इसके लिए जिला स्तर पर विशेषज्ञों की टीम बनाई गई है। बता दें कि राज्य के सभी जिलों में मौजूद सरकारी स्कूलों में से कम 5 स्कूलों में रोबोटिक्स की पढ़ाई करवाई जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब राज्य में रोबोटिक्स की पढ़ाई केवल निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे ही कर पाते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द ही राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी रोबोटिक्स की पढ़ाई कर सकेंगे। मालूम हो कि इसमें न केवल रोबोटिक्स के बारे में बताया जाएगा बल्कि बच्चों को रोबोट बनाने की जानकारी भी दी जाएगी और साथ ही सिखाया भी जाएगा कि रोबोट कैसे बनाते हैं। रेलवे कराएगा 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। अगर आपकी भी इच्छा है कि आप ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें तो आपके पास इसके लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल IRCTC कोलकाता की ओर से 20 मई से भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जा रही है जो कि 1 जून तक चलने वाली है। बता दें कि इस ट्रेन से 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए जा सकते हैं जिनमें ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर और त्र्यंबकेश्वर के नाम शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कोलकाता से खुलने वाली ये ट्रेन कई स्टेशनों पर रुकेगी जिसमें बिहार के भी कुछ स्टेशन शामिल हैं। मालूम हो कि बिहार के जिन स्टेशनों पर इस ट्रेन का ठहराव होना है उनमें साहिबगंज, कहलगांव, भागलपुर, जमालपुर, किउल, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन शामिल हैं। कैमूर के शिवम करेंगे IPL 2023 में भोजपुरी में कमेंट्री। IPL 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होने वाली है। ऐसे में इससे जुड़ी अहम खबर यह है कि इस बार के IPL में बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले उदीयमान क्रिकेट खिलाड़ी और रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में क्वालिफाई करने वाले शिवम कुमार भोजपुरी भाषा में कमेंट्री करते नजर आएंगे। इसको लेकर शिवम सिंह का कहना है कि IPL गवर्निंग काउंसिल के सदस्य इंडियन क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा के प्रयास की वजह से 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश और बिहार के रणजी ट्रॉफी में खेले गए खिलाड़ियों का साक्षात्कार लिया गया था जिसका रिजल्ट 20 फरवरी को जारी किया गया जिसमें शिवम सिंह को भोजपुरी भाषा के कमेंटेटर के रूप में चयनित किया गया है। बता दें कि अब 31 मार्च से शुरू होने वाले IPL में शिवम सिंह भोजपुरी भाषा में एक्सपर्ट कमेंटेटर की भूमिका निभाएंगे।
सीतामढ़ी शिवहर रेल लाइन निर्माण को 566 करोड़ रुपए की राशि को मिली मंजूरी। केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय की ओर से शिवहर, सीतामढ़ी और मोतिहारी जिले के लोगों के लिए खुशखबरी दी गई है। दरअसल रेल मंत्रालय के द्वारा सीतामढ़ी मोतिहारी रेल मार्ग के निर्माण को लेकर 566.83 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी जा चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सीतामढ़ी मोतिहारी रेल मार्ग को निर्माण कार्य दो फेज में पूरा किया जाएगा, जिसके पहले फेज में सीतामढ़ी से शिवहर 28 किलोमीटर तक रेल लाइन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सांसद रमा देवी के द्वारा पीएम का आभार भी जताया गया है। बता दें कि सीतामढ़ी शिवहर रेल लाइन निर्माण को लेकर स्वीकृति दिए जाने के बाद शिवहर जिले के लोगों का वर्षों का सपना साकार हो गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिवहर देश का एक ऐसा जगह है जहां एक इंच भी रेल लाइन नहीं है। सुनील ओझा बने बिहार बीजेपी सह प्रभारी। बीते दिन बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बिहार प्रदेश भाजपा का नया सह प्रभारी नियुक्त कर लिया गया है। बता दें कि बिहार प्रदेश भाजपा का नए सह प्रभारी के रूप में भाजपा के द्वारा सुनील ओझा को चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील ओझा इससे पहले उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के पद पर कार्यरत थे। बता दें कि भाजपा के द्वारा नया सह प्रभारी नियुक्त करना 2024 और 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में पीएमओ का कार्य देखने के कारण सुनील ओझा को पीएम मोदी के खास लोगों में से एक माना जाता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का हमला। चुनावी राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीते दिन अपने जनसुराज पदयात्रा के दौरान सारण के अमनौर प्रखंड अंतर्गत कटसा पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में लोगों को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव की बस एक ही पहचान है कि वे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। इसके अलावा उनकी और कोई पहचान नहीं है, लेकिन मैंने जो 10 साल में किया है वही मेरी पहचान है, लेकिन तेजस्वी की पहचान सिर्फ लालू यादव है। उन्होंने कहा कि हम न तो मुख्यमंत्री के बेटे हैं और न ही यहाँ के कोई नेता या मंत्री। आप तेजस्वी यादव का इंटरव्यू लेने जाते हैं, मिलने जाते हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रधानमंत्री के लिए दिखाया अपना प्रेम। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के रोहतास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना प्रेम दिखाते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दूर दूर तक कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और बहुत परेशान है। लोकसभा के चुनाव में 1 साल से भी कम का समय बचा है और अब तक नरेंद्र मोदी आज की तरह एक तरफा चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम जनता के मुद्दों को लेकर चलते हैं, हमने कभी इश्यू से समझौता नहीं किया, इसलिए आप हमें पक्ष में समझिए या विपक्ष में, जनता के इश्यू के साथ हम हमेशा खड़े हैं। आज के दौर में विपक्ष पूरे देश में बिखरा हुआ है और मुद्दे से भटका हुआ है और नरेंद्र मोदी आज के समय में भी एक तरफा बहुमत से आगे चल रहे हैं। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में हुआ बड़ा फेरबदल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें T20I रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। अफगानिस्तान का स्टार स्पिनर राशिद खान ने श्रीलंकाई स्पिनर वनिंदु हरसरंगा को पछाड़कर नंबर एक रैंक हासिल किया है। राशिद को पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में उम्दा प्रदर्शन का फायदा हुआ है। T20I बैटर्स रैंकिंग में सिर्फ एक बदलाव देखा गया है। दक्षिण अफ्रीका के रिले रूसो 3 पायदान की छलांग के साथ 6ठे स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली को वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को पीछे छोड़ते हुए नंबर 7 पायदान हासिल किया है। स्टीव स्मिथ 9वें पायदान पर खिसक गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा 9वें नंबर से 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वनडे रैंकिंग में टॉप पर पाकिस्तान के बाबर आजम मौजूद है। T20I बैटर्स रैंकिंग की बात करें तो भारत के सूर्य कुमार यादव टॉप पर बने हुए हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। महात्मा गांधी ने 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध की घोषणा की। राजस्थान राज्य की स्थापना 1949 में आज ही के दिन हुई और जयपुर को उसकी राजधानी बनाई गई। स्वामी अग्निवेश ने 1977 में अपनी भारतीय आर्य सभा पार्टी को जनता पार्टी में विलय कर दिया। सत्यजीत रे को 1992 में मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिल्ली के मशहूर और पुराने सिनेमा घरों में से एक 1932 में चल रहे रीगल सिनेमा हॉल को 2017 में बंद कर दिया गया। 1899 में भारत पाकिस्तान विभाजन की रेखा तैयार करने वाले सिरिल रैडक्लिफ का जन्म हुआ। 1908 में भारतीय अभिनेत्री देविका रानी का जन्म हुआ। सिखों के 8वें गुरु हरकृष्ण सिंह का सन 1664 में आज ही के दिन निधन हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार आनंद बख्शी का सन 2002 में आज ही के दिन निधन हुआ। मशहूर कार्टूनिस्ट और लेखक ओवी विजयन का सन 2005 में आज ही के दिन निधन हुआ।
वायुखंड में आज हम बात करेंगे श्रम मंत्रालय के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे श्रम मंत्रालय के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक वेबसाइट srbc.in.net से संबंध होने का दावा करती है। श्रम मंत्रालय ऑनलाइन भर्ती कर रहा है और बेरोजगारी भत्ता प्रदान कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा फेक है। यह वेबसाइट और ऑनलाइन भर्ती भारत सरकार से संबंध नहीं है। बिना पैसे दिए ट्विटर पर पाए ब्लू टिक। अगर आप भी चाहते हैं कि ट्विटर पर आपको फ्री में यानी कि बिना पैसे दिए ब्लू टिक मिले तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि ट्विटर ने नया वेरिफिकेशन प्रोग्राम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत कंपनियां वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्क इसके लिए कंपनियों से हर महीने $1,000 वसूलेंगे। कंपनियां चाहे तो वे किसी इंडिविजुअल अकाउंट को भी अपने साथ अफिलिएट करा सकती है। इसके लिए कंपनी को अलग से $50 हर अकाउंट के लिए देने होंगे। यदि कोई अकाउंट किसी कंपनी से एफिलिएटेड होगा तो उस स्थिति में अकाउंट पर चेक मार्क और उस कंपनी की प्रोफाइल पिक्चर नजर आएगी। इस तरह आप फ्री में वेरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। यानी ये तो संभव है जब आपकी अपनी कंपनी खुद वेरिफाइड है और आपके अकाउंट को खुद से एफिलिएट कराती है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विपिन लाल वर्मा, गोनर शर्मा, मृत्युंजय कुमार, सदुल्ला पलवी, कुश कुमार यादव, असरफी मंडल, ऋतुराज यादव, शंकर मुखिया, ऋषि कुमार, अभिषेक राज, रोहित कुमार सिंह, जगदीश राम राय, नागेश्वर राय, रवि शंकर, मोहम्मद सकीर हुसैन। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार में फिल्म सिटी के निर्माण होने से यहाँ के लोगों को कितना फायदा मिलेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूले। धन्यवाद।